सलेमपुर भारत के उत्तर प्रदेश जिले का एक नगर है। हालांकि सलेमपुर तहसील भी है। 2011 में हुई भारत की जनगणना के अनुसार इस तहसील में 526 गांव हैं। आजादी से पहले तक सलेमपुर सबसे बड़ा और सबसे पुराना तहसील हुआ करता था। यह 1939 में ब्रिटिश राज में अस्तित्व में आया। इसका गठन देवरिया और बलिया जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। सलेमपुर का इतिहास बहुत पुराना है। सलीम के द्वारा बसाया गया यह शहर हमेशा से ही धर्म और राजनीति दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यह क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले गुप्त वंश और पाल शासकों के अधीन रहा था। घने जंगलों के कारण मुस्लिम आक्रमणकारी क्षेत्र में आक्रमण के लिए नहीं आ सके थे। इसके पास से एक छोटी सी गंडक नदी गुजरती है। क्या है सलेमपुर में खास? सलेमपुर में शाही मस्जिद बेहद ही खास है। इस मस्जिद को मझौली राज के राजा बौद्धमल ने बनवाया था। राजा बौद्धमल ने अपने पूरे जीवन काल में इस मस्जिद में नमाज अदा की। तकरीबन 350 वर्ष गुजरने के बाद आज भी यह मस्जिद अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। क्या है इसका इतिहास? 350 वर्ष पूर्व भारत पर औरंगजेब का शासन था। उस समय देश के सभी राजाओं से लगान का 20% हिस्सा औरंगजेब ने मांगा। सभी राजाओं ने लगान दिया, लेकिन 3 वर्ष तक मझौली राज के राजा बौद्धमल ने लगान नहीं दिया। तो औरंगजेब ने अपनी सेना को मझौली राज भेजा और राजा को पकड़ कर लाने का निर्देश दिया था। कस्बा सलेमपुर निवासी व साहित्यकार कवि गिरधर करुड़ बताते हैं कि औरंगजेब की सेना वर्तमान के औरंगाबाद को अपना पड़ाव बनाया और राजा को लेकर दिल्ली चली गई। औरंगजेब ने राजा को मुस्लिम धर्म कबूल कराते हुए उनका नाम बौद्धमल से सलीम रख दिया। इसी बीच किसी ने इसकी जानकारी मझौली राज की रानी को दी। उस समय कस्बा सलेमपुर का नाम नगर हवेली था। जब राजा नगर हवेली पहुंचे तो रानी ने उनको वहीं रोक दिया और आदेश दिया कि मेरे राजा हिंदू थे और आने वाले राजा मुस्लिम हैं। इसके बाद राजा बौद्धमल उर्फ सलीम नगर हवेली में ही ठहर गए। यहाँ उन्होंने शाही मस्जिद का निर्माण कराया और नमाज अदा करते रहे। राजा सलीम के नाम पर इसका नाम कस्बा सलेमपुर हो गया। आज भी वह मस्जिद उसी तरह है। इसी के साथ सलेमपुर की शान बढ़ाता है यहाँ का दीर्घेश्वर नाथ महादेव का मंदिर। ये प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना अश्वस्थामा के द्वारा हुई थी। अपनी मणि अर्जुन को देने के बाद अश्वस्थामा देवराड़े को निकल पड़े थे। प्राचीन देवराड़े ही आज देवरिया कहलाता है। अगले वीडियो में हम आपको देवरिया के अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।